तो मैं फिर वही कहता हूँ कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, और देश देश गांव तभी बढ़ेंगे जब हमारी महिलाएं, बहुत सारे इकोनॉमिक कार्यों को हमारी महिलाएं ले रही हैं। नमोल में आप देखते हो डेयरी का एक बड़ा काम हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। वाटरशेड्स हमारे जो है अंबुजा सीमेंट के, उसमें वाटरशेड बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आज जो है, कल हमने बड़ी हैरानी हुई कि हमने उन्हें बोला यार ये तुम्हारा तुम्हारा नाम क्यों नहीं है सिलवा में, उन्होंने बोला सर ऐसा है कि अब हम एक भी नग बगैर नाम के नहीं बेचेंगे। कितना कितनी दूर हम आ गए, बोले एक भी नग हम बगैर नाम के नहीं बेचेंगे। तो नाम क्या, आपका नाम होना चाहिए और आपका गांव होना चाहिए, और 12 पंचायतों का गांव का नाम और वो। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या कहते हैं एक जो है LEDP उद्घाटन करने गए थे, तो महिलाओं ने वादा किया है कि जैसी शर्ट हम पहने हैं ऐसी बढ़िया शर्ट 6 महीने बाद हमको बना के देंगी सर, यू नो, एंड आई विल वेरी प्राउडली, वेरी प्राउडली, मैं बड़ी खुशी से। आपको ध्यान हो 2-3 बार पहले हमारे पत्रकार भाई ने पूछा था कि हमें क्यों ये पहनना चाहिए, तो मैं कहता हूँ जब आप इनको यूज में लाएंगे तो धीरे धीरे ये हमारे क्या कहते हैं जीवन का हिस्सा हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे इनको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा, ये धीरे धीरे पैकेजिंग करना सीख जाएंगे। और हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल, अगर हमने हमको दुगना तिगना चौगुना भी खर्च करना पड़ा, सूरजकुंड भेजना पड़ा, हैदराबाद भेजना पड़ा, भोपाल भेजना पड़ा, तो ये बिल्कुल फायदे का सौदा है, ये नुकसान का बिल्कुल सौदा नहीं है, बिल्कुल फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे हजारों लोगों के सपने पूरे होंगे। तो जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा 5 दिन का मेला है, और इनकी हौसला अफजाई कीजिए, और ये जर्नी है, बहुत सारे लोग आगे निकलते और बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे, गांव गांव का माहौल होता है जानते हो, गांव वाले जो है बहुत सब एक साथ नहीं कर पाते। तो जो है आप सबका सहयोग रहेगा। नाबार्ड के बारे में मैं थोड़ी सी दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ कि जब नई सरकार आई तो हम लोगों ने अपनी एक प्रेजेंटेशन CM साहब के पास और एक डिप्टी CM साहब के पास की, और बोले नाबार्ड क्या कर सकता है। तो हम लोगों ने जो है यही कहा कि देखिए RIDF में हम लोगों ने ब्रिजेस और सड़कें दी थी और सीवरेज सिस्टम्स दिए थे। अब हम लोगों ने अभी आपके कहने पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट अपने हेड ऑफिस को भेजी कि हिमाचल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और कम से कम आप 300-400 करोड़ का बजट और बनाए। तो आज हम अभी ऑफिस जाके 161 करोड़ की नई सड़कों का, नए सिंचाई के प्रोजेक्ट का वो भेजेंगे, DPR भेजेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये 300-400 करोड़ की सड़कों का जो है हम इस साल ले जा पाएंगे, और पिछले साल के सैंक्शंस के बराबर 1135 करोड़ के सैंक्शंस के बराबर हम लोग कर पाएंगे। हमने एक और बात जो है जिसमें हम बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिमाचल में लगता है वो हम उसको अगर फंड कर पाए, बहुत सस्ते दर पर फंड कर पाए। तो अगर जो है ये आपका जो जो आपका बिजली से चलने वाले व्हीकल है, क्योंकि अभी आप शिमला में चलाते हो बस लेकिन दूर नहीं ले जाते हो, लेकिन अगर 30 डिपो में आपका चार्जिंग स्टेशन लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देन वी आर लुकिंग एट चेंजिंग द बास्केट है ना, कि क्या प्रोजेक्ट आते थे और क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं।